उनका बस चले ना तो जो 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 क्या है आप क्यों बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हैं? ये चाहिए वो चाहिए तो मैं बुढ़ा लगता हूँ। आप तो कुछ ज्यादा ही, बच्चे लोग आए हैं ना उन लोगों को खरीदवाइए। मम्मी पापा से पूछो मैं कितना छोटा बच्चा हूँ। मुझसे आप मम्मी पापा से छोड़े ना, मुझसे पूछे ना। तो तुमसे क्या पूछेंगे, अभी बच्चे ही है ना। मम्मी आप साथ मत दीजिए, बच्चे हैं। हाँ, बच्चे हैं तो मुझे ही पता है ना वो कितने बच्चे हैं। हाँ, तो बच्चे बच्चे हैं ना, उनसे ज्यादा मैं छोड़ तो मैं हूँ। अच्छा, ये नारियल का है? पहले पहले पर चाहिए। अच्छा, पूजा करके पहले आते देखते हैं। आता हूँ फिर मैं पूजा करके। ये बच्चों का है ना? अरे यार बेबी यार, यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में। अच्छा, छोटे बच्चों का है। अरे मामा चलिए ना, आइएगा तो लीजिएगा। मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को केड़ा कहाँ है पापा? मेरे बेबी जो है आज के बेबी है, तो देखिए अभी कम नहीं हुआ, ये तो अभी पहला शॉट है। ये तीन प्लेट, आइडिया नहीं था, अदरवाइज मैं ऐसा ड्रेस नहीं पहन के आती। मैं प्रॉपर ड्रेस पहन के आती एज इन सलवार समीज। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए शादी के बाद पहली बार, हालांकि आइडिया नहीं था तो हम सच के आते हैं। ठीक है, जैसा कि इन्होंने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो अब हम पहली बार मंदिर आए हैं, साथ जा रहे हैं तो हम मंदिर जा रहे हैं। आई नो सर पर दुपट्टा नहीं है, थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। पहली बार शादी के हम मंदिर आए हैं, महाबलेश्वर के बहाने ही महाबलेश्वर मंदिर में आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं था तो हम आपको अंदर का दिखा नहीं पाए, बट इस मंदिर की खासियत ये है कि जो भोलेनाथ हैं वो ओरिजिनल रुद्राक्ष के बने हुए नहीं है, यहाँ प्रकट हुए हैं अवतरित हुए हैं और रुद्राक्ष के रूप में अवतरित हुए हैं। यहाँ जो शिवलिंग देखेंगे वो पूरा रुद्राक्ष के जैसे हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली शिवलिंग देखते हैं तो शिवलिंग पूरा एक शेप में होते हैं, एक मतलब प्रॉपर शेप में होते हैं, प्लेन होते हैं, लेकिन यहाँ के शिवलिंग पूरी तरीके से रुद्राक्ष में है। तो बहुत अच्छा लगा मिल करके शिव जी से। फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं महाबलेश्वर घूमने, वहाँ के भी दर्शन कराते हैं आप लोगों को, वहाँ की भी चीज़ों से रूबरू कराते हैं। तो आइए, ये था हमारा पहला विजिट मंदिर, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि भगवान जी का दर्शन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी शादी को एक साल हो गया है और भगवान के आशीर्वाद से यही चाहेंगे कि जब तक हम ये जीवन है हम साथ रहें। और आइए, तो इसी के साथ हम अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे चलते हैं, बिकॉज पालू गाड़ी में है। आप कुछ बोले थे, बोलिए। नहीं, मैं यही बोल रहा था जल्दी चलो पालू गाड़ी में। हाँ, हम दोनों को पालू का टेंशन है क्योंकि अलाउड नहीं था मंदिर में। तो आइए। सो अभी हम लोग दर्शन कर लिए महाबलेश्वर मंदिर में और थक गए हैं पूरा दिन घूमते घूमते। इनको देखो, कल रात को ज्यादा खाना हो गया था तो पेट खराब हो गया है साले साहब का। यहाँ को बता, थोड़ा डाइजेशन की प्रॉब्लम है इनकी, थोड़ा ऑयली खा लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है। मेरी मेहंदी कैसी आई बेबी, आपने तो देखा भी नहीं। बहुत अच्छी आई, निमोनिको फॉरएवर भी है। निमोनिको फॉरएवर नाम इधर है। बैग, अच्छा ये बैग आप लोगों ने देखा ना, मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट दी है, यहाँ पे लिखा हुआ हैशटैग निमोनिको फॉरएवर। सी, बेस्ट गिफ्ट। तो दिखाइए निमोनिको फॉरएवर कस्टमाइज। यार इसमें ही कहने का बैठे कस्टमाइज। ये तो आईफोन में भी तुम्हारे सिस्टम नहीं है। सो मैंने अच्छा फोन खरीदा इसका मतलब। अयो, यहाँ फोन की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या मेरा वीडियो बना रहे हैं? फोन अच्छा खरीदा, कौन सा फोन है नहीं बताऊंगा क्योंकि कंपनी ने पैसे नहीं दिए हैं मुझे।
इसमें क्या है, फ्री का प्रमोशन? नो फ्री का प्रमोशन इस फोन में। आप ज्यादा नहीं बोलूंगा फोन के बारे में, फोन के बारे में क्यों बोलूं? बेबी भूख लगी, चलो कुछ खाते हैं। हाँ यार बहुत दिन हो गए वड़ा पाव खाए। हाँ ऑलमोस्ट 2 महीने तो मुझे हो गए। हाँ लेट्स गो गरम गरम वड़ा पाव खाने। तो हम जा रहे हैं गरम वड़ा पाव खाने, उसके बाद से ये अच्छा बाकी लगेगा तो रिव्यू देंगे। ओके बाय। 10 seconds later. So now we are going to have vada pav after long time. और ये थोड़ी सी मीठी चटनी, मेरे को थोड़ी नहीं ज्यादा चाहिए, आप मुझे दो, आप कंडक्टी करके खाते हो। तो वड़ा पाव बहुत फेमस है यहाँ का। कौन खिलाएगा? एक साल बाद क्या इंसान बदल जाता है, मुझे जानना है। वड़ा पाव के साथ तीखी मिर्ची ना हो तो मजा आ गया। पर ये ज्यादा नहीं है, कान से धुआं निकल रहा है। क्या खा रहे बेबी? बहुत तीखा है, पेट का ख्याल रखिए। मैडम आपने क्या खरीदा है? मैंने ये बैग खरीदा। इस बैग की स्पेशलिटी ये है कि ये जितना है ना, ये कोकोनट का जो शेल होता है उसको तोड़ बनाया गया है, मतलब कोकोनट के ऊपर का जो कवर होता है उससे बनाया गया। हाँ, हाँ, हाँ। और क्या लिया मैडम आपने? अभी तो फिलहाल यही लिया क्योंकि मेरे पति को इंटरेस्ट नहीं था कि वो जाए और मुझे कुछ कुछ खरीदाई हो। मेरा भी शौक होता है यार कि पति के साथ आई हूँ तो पति बोले कि बेटा कुछ चाहिए, बेटा बड़ा पाव खिलाया मैंने, बड़ा पाव तली हुई मिर्ची खिलाई। आप खिलाए? होल्डिंग खिलाया। आप खिलाए कि मैं आपको लेके गई की बेबी चलिए खाते हैं, भूख लगी है। अच्छा ऐसा था क्या? चलो मान लेता हूँ। ये देखो मेरा साला है, किसी काम का नहीं है कसम से। अच्छा ठीक है समझ गया। Meanwhile, ध्यान ही नहीं देता है मुझको लेकर आए। इनको कभी कभी कुछ चीजें आपको सच्ची पापा से सीखनी चाहिए। क्या सीखनी चाहिए तुम्हें पापा से? पापा आप सीधे लेके जाते हैं, पूनम कुछ चाहिए तो मम्मी जाती है, मम्मी देखती है अच्छा सुनिए ये अच्छा लगा तो पापा जा करके ना देखते हैं। पापा बोलते नहीं ये करो ये लो तो हेल्प करते हैं ढूंढने में अच्छी अच्छी चीज ही लेने। और ये हर आदमी को एक जैसा नहीं होना चाहिए बाय द वे, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना। जब सा है ना ये अपने लिए अपना चश्मा अपना खाना पीना पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, पर मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं है। मतलब बीवी के साथ है कि पड़ोसी के साथ है? समझ पड़ोसी होती तो शायद और उसको दिला देते। अरे पड़ोसन को कुछ नहीं दिलाऊंगा पगली, पड़ोसन सिर्फ लाइन मारने के लिए होती हैं, बाकी साथ में रहने के लिए तो बीवी होती हैं। मैं भी पड़ोसी को लाइन मार सकती हूं। ऐसा कैसे काट देना नहीं। तो हमारा हो गया है दर्शन और अब हम निकल चुके हैं सेकेंड डेस्टिनेशन पे, पता नहीं कहाँ। वहाँ जाने के बाद डिसाइड करके बताया जाएगा आप लोगों से। मिलती हूँ मैं, बाय। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।